नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। उत्तराखंड में भारी बारिश का कहर जोरों पर है। वहीं राज्य भर में लगातार भारी बारिश होने के चलते मौसम विभाग ने उत्तराखंड में 6 सितंबर तक बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान मौसम विभाग ने राज्य में अगले 3 दिन तक लोगों को अलर्ट रहने को कहा है। विभाग के अनुसार अगले 3 दिन लोगों के लिए भारी पड़ने वाले हैं और राज्य के कई इलाकों में विभाग ने भूस्खलन होने का भी अनुमान जताया है। तो कौन से हैं संभावित इलाके, क्या है पूरा अनुमान, चलिए आपको भी बताते हैं। राज्य भर में खराब मौसम पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है, जिसके चलते मौसम विभाग ने अब अलर्ट जारी करके लोगों को चेतावनी दी है। विभाग के अनुसार अगले 3 दिन राज्य भर में भारी पड़ने वाले हैं। विभाग के मुताबिक 6 तारीख के बाद भी प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। वहीं मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक आज राज्य के पर्वतीय जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा विभाग ने आने वाली 5 सितम्बर को देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में तेज बौछार के साथ भारी बारिश और भूस्खलन की संभावना जताई है। विभाग का अनुमान है कि भारी बारिश के कारण संवेदनशील स्थानों में भूस्खलन, चट्टान खिसकने, सड़कों में मलबा आने से काफी बड़ा नुकसान हो सकता है। वहीं मैदानी इलाकों में जलभराव की भी आशंका है, जिसके चलते विभाग ने लोगों को बेवजह घर से बाहर नहीं निकलने के साथ ही नदी नालों से दूर रहने की चेतावनी दी है। इसके अलावा भूस्खलन संभावित इलाकों में लोगों को अलर्ट मोड पर रहने को कहा है। साथ ही विभाग की ओर से जिलाधिकारियों को भी इसकी जानकारी दे दी गई है। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।